नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। बिग बॉस के एस प्रतियोगी राहुल महाजन एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल राहुल ने तीसरी बार शादी कर ली है। अपनी दूसरी पत्नी डिम्पी गांगुली से तलाक लेने के बाद राहुल लंबे समय से सिंगल थे। उन्हें अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश थी, जो कि मॉडल नतालिया इलिना पर जाकर खत्म हुई है। नतालिया कजाकिस्तान से है। नतालिया और राहुल ने 20 नवंबर को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। बहरहाल दोनों की फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राहुल ने मलाबार हिल के एक मंदिर में शादी की है। इस दौरान उनका परिवार ही वहां शामिल था। राहुल ने अपनी तीसरी शादी के सिलसिले में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मैंने दो शादियां काफी धूमधाम से की थी, लेकिन वो नहीं चल पाई, इसलिए मैं इस बार दिखावा नहीं करना चाहता था। मैं नतालिया को एक साल से जानता हूँ, हम एक दूसरे को काफी समझ चुके हैं। वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, उसे जो करना है मैं उसमें साथ दूंगा। फैमिली लाइफ में दिमाग की शांति बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि नतालिया सिर्फ 25 साल की है, वहीं राहुल की उम्र 43 साल है। दोनों के बीच 18 साल का बड़ा फासला है। ऐसे में जब राहुल से उम्र के फासले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम दोनों साथ में बेहद अच्छे दिखते हैं, मैं 6'2" का हूँ और वो 5'10" की। दिलचस्प बात यह है कि डिम्पी भी राहुल से उम्र में 10 साल छोटी थी। आपको बता दें कि राहुल बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं। पहली शादी उन्होंने बचपन की दोस्त श्वेता सिंह से की थी, लेकिन श्वेता सिंह ने राहुल पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद शादी टूट गई थी। इसके बाद राहुल ने एक टीवी शो में कोलकाता की डिम्पी गांगुली से शादी की, लेकिन कुछ महीनों बाद ही डिम्पी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। शादी के 4 महीनों बाद दोनों अलग हो गए और तलाक के बाद अब नतालिया राहुल की जिंदगी में आ चुकी है। देखना दिलचस्प होगा क्या राहुल की अब तीसरी शादी चल पाएगी। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।